तो क्या बोलती पब्लिक, मार्च 1962 सुबह के 11:15 पर फ्लाइट 739 कैलिफोर्निया के ट्रेविस एयरफोर्स बेस से उड़ान भरती है जो नाम के सबसे बड़े शहर साइगोन की तरफ जा रही थी। इस फ्लाइट को रिफ्यूल करने के लिए 4 स्टॉप्स पर उतरना था जिसमें से पहला था हवाई का होनलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा वेक आइलैंड, तीसरा था एंडरसन एयरबेस जो कि गुआम में है, फाइनली चौथा और आखिरी स्टॉप था क्लार्क एयरबेस जो कि फिलीपींस में है। लेकिन प्लेन के क्रू को पहले ही स्टॉप यानी होनलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही प्लेन के इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 3 में कुछ कमी दिखाई देती है जिसको मेंटेन कर दिया जाता है। वेक आइलैंड पर भी एक बार फिर से कुछ तकनीकी खराबी देखी जाती है जिसे बाद में फिर से रिपेयर कर दिया गया। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की वजह से फ्लाइट ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। इस फ्लाइट के अंदर 96 मिलिट्री पर्सनल और 11 क्रू मेंबर्स थे, यानी टोटल 107 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे और इस फ्लाइट के कैप्टन थे पी थॉम्सन। 15 मार्च 1962 शाम 4:44 पर फ्लाइट गुआम पहुंच जाती है। इस प्लेन के अंदर अमेरिका के सैनिक मौजूद थे जो दक्षिण वियतनाम की लड़ाई में मदद करने जा रहे थे, जो किसी और से नहीं बल्कि उत्तरी वियतनाम से ही थी जिसे कम्युनिस्ट अलाइज सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका की दूसरों के मामलों में दखल देने की आदत कोई नई नहीं बल्कि पुरानी है जो आज भी जारी है। खैर, इस लड़ाई के बीच 12:57 पर एक बार फिर फ्लाइट 739 एंडरसन एयरबेस यानी गुआम से उड़ान भरती है। यहाँ तक सब प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, प्लेन की मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग भी की जा चुकी थी और शाम 7:16 पर इसे क्लार्क एयरबेस यानी फिलीपींस पहुंचना था। ये उड़ान 8 घंटे की थी लेकिन प्लेन के अंदर 9 घंटे की उड़ान भरने का फ्यूल मौजूद था और ये दूरी लगभग 2600 किलोमीटर की थी। उड़ान के 80 बाद कैप्टन ने एक रूटीन मैसेज भेजा जिससे उन्होंने अपनी पोजीशन को कंफर्म किया। लेकिन कुछ ही समय बाद गुआम रेडियो स्टेशन को प्लेन से कांटेक्ट करने में काफी परेशानी आने लगी। 3:39 पर रेडियो ऑपरेटर ने फ्लाइट 739 को कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगले ही दिन यानी 16 मार्च 1962 को अमेरिकन मिलिट्री ने रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया जो आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़े हुए सर्च मिशन में से एक था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगातार 8 दिन तक ये रेस्क्यू मिशन चलाया गया और करीब 370,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को दिन रात सर्च किया गया, लेकिन ये मिशन फेल रहा। एक और बात जो यहाँ सोचने वाली है, इसी फ्लाइट के साथ एक और अमेरिका का सीक्रेट मिलिट्री कार्गो इसी दिन एल्यूसियन आइलैंड पर क्रैश हुआ था और दोनों में लगभग एक जैसी ही प्रॉब्लम देखने को मिली थी। फर्क बस इतना था कि एक के सबूत मिल जाते हैं वहीं दूसरे का नामो निशान तक नहीं मिलता, लेकिन हमें 3 रिपोर्ट्स ऐसी मिलती हैं जो दूसरे के बारे में हमें जानकारियां देती हैं। नंबर 1, सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड की जांच पड़ताल के मुताबिक फ्लाइट 739 में एक धमाका हुआ और मलबा पैसिफिक ओशियन में मिल गया, लेकिन इसके सबूत नहीं मिल पाए। दूसरा, इस फ्लाइट की एयरलाइन यानी फ्लाइंग टाइगर का मानना है कि फ्लाइट को और पैसेंजर्स को किडनैप कर लिया गया या फ्लाइट में कुछ तोड़फोड़ की गई जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। वहीं तीसरी रिपोर्ट बताती है लाइबेरिया देश की एक ऑयल टैंकर कंपनी SSTL लिंजन के वर्कर्स ने बताया जिस दिन फ्लाइट 739 गायब हुई थी उसी दिन आसमान में काफी तेज रोशनी को देखा गया जो तेजी से समुद्र की ओर आ रही थी और ये वही जगह थी जहां फ्लाइट को आखिरी बार रेडियो से कांटेक्ट किया गया था। और अगर इन तीनों रिपोर्ट में से किसी एक रिपोर्ट की भी एनालिसिस करेक्ट है तो इसका मतलब 96 मिलिट्री पर्सनल्स और 11 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। US मिलिट्री और गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इन सभी 107 लोगों को डेड मान लिया। ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है क्योंकि इतने बड़े रेस्क्यू मिशन से भी कुछ नहीं मिल पाया। कुछ समय बाद इन सभी की फैमिलीज को डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिए गए।
फाइनली 15 मई 2021 को इन 107 लोगों के सम्मान में एक मेमोरियल बनवाया गया। ये मेमोरियल कोलंबिया फॉल्स में बनवाया गया है, जो यूएस का एक छोटा सा शहर है। इन सभी 107 लोगों के नाम इस मेमोरियल में दर्ज हैं। वैसे आपको इस फ्लाइट के बारे में क्या लगता है, आखिर इसके साथ क्या हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।